नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। दो दिन पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी कि हर साल किताब एसोसिएशन की बात करूं मैं तो उनके द्वारा रिज़ल्ट जब निकलते हैं बच्चों के स्कूलों के तो किताबों के लेने के लिए लोगों की लाइनें लगती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखें, अगर जब ग्राहक किताब मांगता है तो उसे ये कहा जाता है कि जब तक आप नोटबुक कापी नहीं लोगे तो आपको किताब नहीं मिलेगी। हर साल ये परेशानी उठाना पड़ती है और कोई ना कोई इस मुद्दे को उठाता है लेकिन इस मुद्दे पर हल नहीं निकाला जाता है, मसला हल नहीं किया जाता है। लेकिन दो दिन पहले मैंने इसी पार्क में एक महिला का इंटरव्यू किया था जिनका नाम साबनी बलोरिया था, एडवोकेट हैं ये। इनके द्वारा से मुद्दे को उठाया गया था। इनका कहना था कि ये किताब लेने के लिए गई लेकिन इन्हें ये कहा गया कि जब तक आप कापी साथ नहीं लोगे, नोटबुक नहीं लोगे तो आपको किताब नहीं मिलेगी। क्या बच्चों को अनपढ़ रखा जाएगा घर में? सबसे बड़ा मुद्दा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये तो सरकार की ओर से नारे दिए जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से इन लोगों पर लगाम नहीं लगाई जाती है। लेकिन इनके द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया और उधमपुर DC द्वारा बड़ी जल्दी, मैं आपको ये बताऊं कि बड़ी जल्दी एक्शन लिया गया। जितने भी बुक सेलर हैं उन्हें बुलाया गया, मीटिंग की गई, एजुकेशन विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया और एक आर्डर निकाला गया। मेरे साथ सामने जी हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपका वीराचल में स्वागत है और आपके द्वारा जो मुद्दा उठाया गया था और उससे सरकार की ओर से बड़ी जल्दी हल किया गया, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद रवि जी, मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मेरी इस मसले में हेल्प की और स्पेशली थैंकफुल टू हमारा उधमपुर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैम इंदु मैम का मैं दिल से स्वागत करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि मेरे एक शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने इतनी जल्दी एक्शन लिया जिससे हमारे तमाम उधमपुर के जो पेरेंट्स हैं उनको थोड़ा रिलीफ मिला। मैं फिर से थैंक यू सो मच करती हूँ, इतने शॉर्ट एक्शन पे उन्होंने एक्शन लिया और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे इशू हैं और उनका भी समाधान जल्दी ही होगा। ये जो आर्डर निकाला ये बताएंगे क्या लिखा गया? जी सर, इस पे ये दिया हुआ है, कल का ये आर्डर निकला हुआ है, इसमें मैम ने मेंशन किया हुआ है जो गवर्नमेंट आर्डर है इसमें दिया है कि एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑल द हेड्स ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आर डायरेक्ट नॉट फोर्स द पेरेंट्स स्टूडेंट्स फॉर द परचेस ऑफ द बुक यूनिफॉर्म और एनी अदर स्टेशनरी आर्टिकल्स। इसका मीनिंग ये है कि कोई भी इनके शॉपकीपर बुक स्टॉल वाला किसी भी पेरेंट्स को अब वोट नहीं कर सकता है कि एक ही स्पेसिफिक जो शॉप है उसी से बुक्स लेगा, उसी से यूनिफॉर्म लेगा। पेरेंट्स की इच्छा है वो किसी भी शॉप पे जाके ले सकता है। तो क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों का? मैं यही कहूँगी कि भाई मैं आपके साथ हूँ और आपकी DC मैम आपके लिए बैठी हुई हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज़ आगे आएँ, हम सभी आपके साथ बैठे हुए हैं, सिर्फ थोड़ा सा आप आगे आएँ, आप एक कदम आगे आएँ मैं 10 कदम आगे आऊँगी, प्लीज़ आगे आएँ और उधमपुर के लिए आएँ, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन को दोष पहुंचाते हैं, इनकी पार्टीज़ को या हमारे जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको हम कहते हैं कि ये काम नहीं कर रहा। एक्चुअल में काम हम नहीं कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं है हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। बस दो बातें सीख लेते हैं, भाई काम आगे नहीं हुआ, भाई काम आगे नहीं हुआ, भाई तू आगे आ गया तो आगे काम होना नहीं। मैम एक मैं बात ये भी करना चाहूँगा कि आपके द्वारा मुद्दा उठाया गया उसके बाद इसे हल किया गया, क्या मानते हैं कि एजुकेशन विभाग की इसमें कोई लापरवाही नहीं है कि मुद्दा उठाने के बाद उसे हल किया? एक्चुअली